पाकिस्तानी कौम के इंतहाई होनहार तलबातलब सनेटर्स पार्लियामेंटेरियनस और इन कौम के अजीम बेटों और बेटियों के वाले ख़वातन वारात असल आज मेरे लिए एक इंतहाई इतमान का दिन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से वो शोभा जिसके जरिए दुनिया में रीगती हुई कौमें और ओज स्तरीय पर पहुंची उसी शोबे को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर आने का मौक़ा मिला है और बगैर किसी ख़ुदनुमाई के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस सफ़र का आगाज 2008 में पंजाब से शुरू किया जब मैं गरीब अलवनी के दिन गुजार रहा था तो एक दिन लंदन में मेरी मुलाकात डॉक्टर अमजद साकिब से हुई ये 2003 हज़ार तीन चार की बात है जब एक मूजी बीमारी से अल्लाह ने मुझे निजात दिलाई उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है तो डॉक्टर अमजद साकिब मेरे साथ पंजाब में उन्नीस सौ सतानवे में उन्होंने मेरे साथ काम किया था तो उनसे मैंने मुलाकात की और तालीम के ऊपर गुफ्तू की तो मुझे तो नहीं पता था कि मुझे दोबारा कभी मौका मिलेगा ख़दमत का ये तो अल्लाह ताला के हाथ में था तो उन्होंने गुफ्तु में एक एंडाउमेंट फंड की बात की चुनाचे 2008 में जो ही हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे लीडर नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब में पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड का क्याम अमल बनाया गया पहले साल में और दो अरब उस ज़माने में इंडाउमेंट फंड के लिए मुख्त किए गए जो कि 22 अरब रुपये बन गए और 22 अरब रुपये की जो आमदन थी उससे कुछ चार लाख पचास हज़ार बच्चों और बच्चियों को तलीमी वज़ाइफ दिए गए और मैं जानता हूँ उस ज़माने में गरीब तरीन घरानों से उनका ताल्लुक़ था लेकिन वो इंतहाई ज़हीन इंतहाई काबिल और मेहनती वो बच्चे थे आज अल्लाह त फल करम से उनमें से हज़ारों डॉक्टर्स बने हज़ारों इंजीनियर्स बने और वो अजीम कॉम के मैमार बन चुके हैं इससे बड़ी आ, नेमत और इससे बड़ी ख़दमत कौम की कोई और हो नहीं सकती मैंने उस ज़माने में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दो अरब को का जो सालाना जो इंडाट जो फ़ंड है जो जाता था वहाँ पे इसके अकाउंट में ताकि उसकी सालाना आमदन से बच्चों के वज़ाइफ उनको दिए जाएं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसको दो अरब से बढ़ा कर पाँच अरब कर दूँ सालाना ये उससे ज़्यादा मेरे जो रफाक है सियासी वो भी इससे मुतफ़ थे और जो सरकारी अफसरान वो भी उससे मुकम्मल तौर पर मुतफ़ थे लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते थे या बनाए जाते थे कि तालीम के इस, इस, इस इंडोमेंट फंड को मैं बढ़ाने में आ, हर साल कोशिश करता था लेकिन कुछ आ, एफर्ट अधूरी रह जाती थी मैं आपको आज आपके ख़दमत में यह करना चाहता हूँ कि यह सफ़र ताकमत अधूरा रहेगा अगर हमने मुमकिन हद तक जो अपने माली वसाइल हैं वो इन कौम के करोड़ों बच्चों और बच्चियों के ख़िदत में निछावर ना किए क़दमों में ये सफ़र अधूरा रहेगा आज चौदह अरब रुपए का जो इस जो अब आ, माली साल शुरू हुआ है उसमें चौदह अरब रुपए दिखाए गए जो कि अगले चार सालों में ये इंडोमेंट फंड में जाएंगे ये आटे में नमक के बराबर है चूँकि हमारे माली वसाइल और माली मुश्किल इतनी ज़्यादा हैं हम सिर्फ इस साल जिस तरह बताया कि तीन अरब रुपए और तीन अरब रुपए इस साल इंडा फ़ंड में नहीं जा रहे इसलिए कि अगर मैं उसको इंडा फ़ंड में डालता तो फिर उसकी आमदन तो साल बाद होनी थी या मैं बैंक को कहता कि मुझे एडवांस इनकम दे दें और मैं इन बच्चों को वजायफ़ में उनके खदमत में पेश करता तो दो तरीके थे वो एडवांस देते तो ज़ाहिर है कि वो आ, लोन होता वो उसकी आमदन जो होती उससे वो कटौती होती मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हमने फैसला किया कि इस साल के ये तीन अरब रुपया जो मुख्त है ये सारे का सारा हम पाकिस्तान भर के इन अजीम बच्चों और बच्चियों के वज़ायफ़ उनके हवाले करें ताकि वो तालीम की जेवर से आरास्था पेरास्ता हों और पाकिस्तान के अजीम मैमार बने पाकिस्तान की शक्ल बदलें खुशहाली और तरक्की का इनकलाब लेके आएँ मगर मेरी दुआ है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो चौदह अरब नहीं मैं चाहूँगा कि अगले दस सालों में वो एक सौ चालीस अरब रुपए मुख्तस हों जो कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए हम उनके हवाले करें कोई डॉक्टर बने कोई इंजीनियर बने कोई ज़रात में एक्सपर्ट बने यही तरीका है यही वतीरा है आप देखें खलीज में चले जाएँ जहाँ पर सहरा थे आज वहाँ पर आपको एक ऐसा निज़ाम नज़र आता है कि अक्ल दंग रह जाती है ये ठीक है कि अल्लाह ताला ने उनको तेल की दौलत से मालामाल किया है लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा हमें दौलत दी है ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है पहाड़ दिए हैं पानी है मादनी वसाइल अल्लाह ताला ने तता किए आप जैसे यहाँ पर ख़वातीन भी इस कॉम की तशीफ़ फरमा है यहाँ पर मर्द भी हैं टीचर्स भी हैं पॉलिटिशन भी हैं एक्सपर्ट्स भी हैं बड़ बड़े बड़े अजहान बैठे हैं यहाँ पर और जो कि इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब ला सकते हैं बशर्ते है कि हम एक रास्ता अपनाएँ और उसके ऊपर हम कार बंद हो जाएँ और शबाना रोज उसके ऊपर हम मेहनत करें तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल का सफ़र बहुत जल्द कट जाएगा ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फंड फॉर एजुकेशन जो है मैं इस नाम से इतफ़ाक नहीं करता मैंने अभी राना साहब की खदमत में गुजारिश की है कि अगर पंजाब में था पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड आज इसको पाकिस्तान एजुकेशन एंडमेंट फंड बनाना चाहिए हमें ताकि पूरे पाकिस्तान का इसके ऊपर हक है प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं असल बात यह है कि ये फंड हमेशा सलामत रहना चाहिए इसमें इजाफा होता रहना चाहिए देखिए मैं आपको एक वाक़ सुनाना चाहता हूँ ये ये दो हज़ार दस ग्यारह की बात होगी मैं लाहौर में आ, अलमरा हॉल था या इकबाल एक एकेडमी थी मुझे अब याद नहीं वहाँ पर हम ये बच्चों और बच्चियों को वजाइफ़ दे रहे थे तो एक बेटी आई तो मैंने उनसे पूछा बेटी आपका ताल्लुक कहाँ से है तो कहने लगी कि मैं चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है तो मैंने कहा कि आपके वालिद क्या करते हैं उनका कि वो उनका साया उठ चुका है मैंने कहा वालदा आपकी कि वो भी दुनिया में नहीं है तो मैंने कहा फिर आप कितने बहन भाई हैं वो कहने लगी कि बड़ा उसने जब्त से काम लिया उसकी आंखों में थे लेकिन बड़े उसने सब्र से काम लिया उनका कि मैं वजीर अल हम चार बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं तालीम हासिल कर रही हूँ और दूसरे मेरे छोटे भाई बहन वो भी स्कूल में जाते हैं तो मैंने कहा कि किस तरह गुजर औकात होता है कहेंगे हमारे चचा हैं वो हमें हमारा ख्याल करते हैं लेकिन मैंने कहा क्या कारोबार उनका उनका कोई कारोबार नहीं वहाँ पर वो घास पूस काटते हैं और बाज़ार में मंडी मिला के वो बेचते हैं और बड़ी मुश्किल से जरकाहवत होती है यह है आप अंदाज़ा करें कि हालात यानी कि ज़िंदगी कितनी तंग थी उस ख़ानदान के ऊपर और ये एक बच्ची का यह मामला नहीं है इस मुल्क में इस तरह की लाखों बच्चियाँ ऐसी हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके ऊपर ज़िंदगी तंग है लेकिन उनके जज्बे इतने जवान हैं और इतना मसम्म इरादा है कि वो चाहती हैं कि हम तमाम मुश्किल को चीरते हुए हम डॉक्टर्स बने इंजीनियर्स बने अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें मैं समझता हूँ कि ये न सियासत है न कोई और चीज़ है ये इबादत है कि तालीम का फ़रोग और इस मुल्क को पाकिस्तान के तुलर्ज़ में चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम जो इलाके ख़ास तौर पर जो तरक्की के दौड़ में पीछे हैं मैं जनाब वज़ीर साहब की ख़दमत मर्ज़ करूँगा कि उनके लिए आप उनको स्पेशल उनको ऊपर अटेंशन दें उनके ऊपर फोकस करें ताकि मैं जानता हूँ कबाइली इलाके में आप जाएँ मैं कल पेशावर में था आज भी मुझे कबायली इलाके के बच्चों से मुलाकात का मौक़ा मिला एक नाम मैं नहीं लेता उनके वालद मजदूरी करते हैं और वह देखें अपना कितने एक फ़ख्र के साथ और एक अतम के साथ यहाँ वो बच्चा खड़ा था और तालीम के हसूल के लिए वो हर चीज़ करने को तैयार है चाहे वो रात को उसको एक लाल टेन के नीचे पढ़ना पड़े या जिस तरीके से भी तो अगर हकूमत वक्त और अशराफिया और साहिब सरवत साहिब सरवत और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपना नेमतों से माला माल किया है अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे और इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों का हाथ नहीं थामेंगे तो ना इस दुनिया में ना अगले जहां में ना मेरी माफ़ी होगी ना किसी और की माफ़ी होगी मैं समझता हूं कि आज ये वक्त है कि हम तालीम के ऊपर पूरी तरह हम फोकस करें और तालीम और तालीम जो है वो जो कि बामानी हो जिसकी रेलिवेंस हो आज के ज़माने में और वो एक टेक्निकल एजुकेशन है आज तालीम के शोबे इतने तरक्की कर गए हैं कि जहन में उसको पूरी तरह उसको उसकी तस्वीर कशी मुमकिन नहीं है आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन है आज जदीद आज लवाज़मात हैं चाहे वो ज़रात ले लें चाहे वो मेडिकल साइंस ले लें चाहे वो केमिस्ट्री ले लें फिज़िक्स ले लें हती कि आज ज़रात जो है वो जो <coughs> हवा में जो आजकल बड़े मॉडर्न गेजट हैं उनके ज़रिए वो ज़रात उनको नीचे से वो बायदा तस्वीर कशी करते हैं और बताते हैं कि ये जगह है जहाँ पर बीमारी फैल रही है और सिर्फ उसी जगह के ऊपर वो सप्रे होता है वगरना जब ये आलत नहीं थे तो वो सप्रे की कीमत भी महंगी और पूरे इलाके में जो तंदरुस्त जो पौधे हैं उनको भी तबाह कर देते थे इसी तरीके से आज की जदीद ज़रात के हालात बताते हैं कि फ़ला जगह पानी की कमी है वहाँ पर वो बायदा मेजर्ड वहाँ पर पानी वहाँ पर देते हैं तो इस तरह कौमें तरक्की करती हैं और यही असूल जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में ये अमल पैरा है मैं समझता हूँ कि आज की इस महफिल के हवाले से मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद चौदह अगस्त को ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए आवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर वन प्रायोरिटी दे कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा मैं इसके अलावा राना साहब को ये गुजारिश करूँगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप भरपूर तोजह दें और इन्हीं फ़ंड में से मज़ीद फ़ंड में इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मौका देगा आज दुआ करें कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की आज मीटिंग है बोर्ड की वहाँ पर हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए लेकिन ये कोई आ, मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि ये लमहे फ़्र नहीं है ये लमह फ़िक्रिया है कोई बहुत शादियाने बजाने वाली बात नहीं है ये सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन है ख़ास तौर पर हकूमत वक्त और तमाम सियासतदानों को और तमाम वो लोग जिनको अल्लाह ताला ते कुदरत दी है इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चाहे वो वाइस चांसलर्स हैं चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो जर्नैल हैं जजेस हैं चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनको अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में लिख रखा है कि वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं ये उनके लिए आज लमह फिक्रिया है मेरे लिए है कि क्या वजह है कि हम हमसाया ममालिक और मैं एक दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ कि हम हमसाया जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए और वो जमाना था कि हम उनके साथ कॉम्पटिशन में थे मुकाबला करते थे कल भी मैंने किसी जगह कहा कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान आ, अस्सी की दिहाई तक नबे की दिहाई तक हम उनसे आगे थे नवे की दिहाई में हमारी जो हमारा रुपया है इसकी क़दर उनसे ज़्यादा थी आज कोई मुकाबला नहीं है और ये आ, ऐसी ये तकलीफ है कि रात को भी नींद नहीं आती लेकिन वो कौमें जब तकलीफ आती, आती है मुश्किल आती हैं तो फिर वो अपनी कमर खसती हैं और, और फैसला करते हैं कि हमने हालात का मुश्किल का मुकाबला करना और इन कुछ हो जाए हम अपने मुकाम हासिल करके रहेंगे जर्मनी और जापान से बेहतरीन और ज़्यादा ताकतवर मिसाल और है कोई नहीं कि ताकतवर बमों ने उनको तबाह कर दिया शहरों के शहर वो लुकमाजल बन गए और देखिए जर्मनी आज कहाँ दोबारा खड़ा हो गया साठ सत्तर साल बाद आप उसको जापान को देखें दोबारा वो दोनों ममालिक आज दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में उनको शुमार होता है पहला नंबर आज अमेरिका का अमेरिका का है दूसरा चीन का है तीसरा जर्मनी का है और चौथा जापान का है अंदाज़ा करें कि हेरोशिमा में और नागासाकी में करोड़ों लोग तबाह हो गए मर गए और हर चीज़ शहर के शहर वर रेस्ट टू ग्राउंड और किस तरह वो दोबारा उन्होंने फैसला किया कि नहीं हमने जीना है मरना नहीं है ये वो मिसालें हैं मैं समझता हूँ कि हमें हौसला देती हैं और इन शह मुझे इसमें कोई आ, कहने में बात नहीं कि इन शाह इस कौम में बड़ी तोनाई है बड़ी हिम्मत है खुदा की कसम और इन शह मुझे पूरा यकीन है कि हम फैसला कर लें एक हो जाएँ इकट्ठे हो जाएँ एक ज़ुबान से बात करें तो फिर इन शाह वो वक्त आएगा कि आज जगह जगह हम जाके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं आई एम एफ़ की मनते कर रही हैं ये ज़िंदगी बसर करने का ये तरीका नहीं है जिंदा कौमी तो वो इकबाल का वो क्या शेयर है कि खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है लेकिन मेरे अजीम बुजुर्गों और बहनों ये खुदी ये गर्दन में सरिए वाली खुदी नहीं है यह खुदी मेहनत की है ये इशहार किया है ये कुर्बानी किया है ये हिम्मत की है ये दयानत की है खुदी है और ये वो आ, एक अजीम ये नुकता है जो हज़रत हज़रतमाल ने हमें बताया इस तरह के उन्होंने जो इशार कहे हैं जैसे कि खून जो है वो दौड़ना शुरू हो जाता है बड़ी तेज़ी के साथ कि किस तरह जो आज़ादी जो है वह असल आज़ादी वही है जो माशी आज़ादी है तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप ख़ुद माशा बड़े बड़े अपने ताई आप प्रोफेसर हैं वाइस चांसलर्स हैं टीचर्स हैं बहुत इंतहाई लायक एहतराम मैं आपकी खिदमत में सिर्फ यही करूँगा कि हकूमत का फ़र्ज़ है कि हम हर तरीके से हम इस कॉम के अजीम बच्चों और बच्चियों के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हम करें तो लिहाजा ये चौदह अरब रुपये का बिल्कुल हमने तखमीना यही बनाया है खुदा करे और अल्लाह ताला करे कि हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हों कि हम इन चौदह अरब को हम अगर चौदह सौ अरब नहीं तो एक सौ चालीस अरब हम कर दें ताकि जिससे कि इस मुल्क के तुल अर्ज़ में तालीम की जो नूर है वो फैल जाए और पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दुनिया में हासिल कर सके मुश्किल है नामुमकिन नहीं और चीन की मिसाल हमारे सामने है फोर्टी नाइन में चीन ने आज़ादी उनको मिली हम 47 में हमने आज़ादी की आंख खोली हमने और चीन के मुकाबले में 70 में पाकिस्तान का जो पर कैपिटल इनकम था उनसे ज़्यादा था जीडीपी हमारी उनसे ज़्यादा थी आज चीन का और हम कहाँ आज चीन आ, हमारा अलग का शुक्र है लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेहतरीन दोस्त है इस बुरे वक्त में जिस तरह चीन ने हमारा हाथ थामा ना मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ ना आप ना पूरी कौम उन्होंने एक दोस्त बनकर एक दोस्त बनकर उन्होंने ये ख़तरा उन्होंने उनको उन्हों, उन्हों महसूस हो गया था कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में और उनको बहुत तंगी है उन्होंने हमें पिछले तीन महीने में उन्होंने पाँच अरब डॉलर उन्होंने हमें वापस किया इसी तरीके से आपने देखा कि सऊदी अरब ने कल ख़ज़ाने में दो अरब जमा करवाया एक अरब डॉलर इन यूएई ए से एक आध दिन में पहुँच जाएगा हम के बेपना शुक्रगुजार हैं और मैं उनका शुक्रिया निदा कर सकता अगर भी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए जो मोहब्बत और जो अकीदत दिखाई है वो बे है लेकिन मेरे बुज़ुर्गों और मेरे बहनों ये ज़िंदगी बसर करने का तरीका नहीं हमें इसको बदलना होगा और इसी तरीके से बदल सकते हैं रास्ता यही है तालीम का जिसमें ज़रात भी है जिसमें साइंस भी है जिसमें डेवलपमेंट भी है रिसर्च भी है मदनियात अब मादनियात के ऊपर मैं आप बात करूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी बहुत दूर तक चली जाएगी लेकिन सिर्फ इकतजार के साथ कहना चाहता हूँ कि अरब डॉलर के मदनियात यहाँ पर मतफन है पाकिस्तान में मगर बजाय कि हम एक्सपोर्ट करके और पाकिस्तान के तूलर्स में खुशहाली का पैगाम लाते हमने अरबों रुपए जो कानूनी फीसें भरी हैं हमारे खिलाफ जो मुकदमे हुए बाहर न यूरोप में या दूसरी ममालिक में हमने अरबों रुपए कानूनी फ़ीसें भरी हैं ये गरीब मुल्क कर्ज़ों पर जीने वाला एक ढेले की हमने अभी उसमें से मुनाफा के तौर पर कोई चीज़ नहीं कमाई तो कौमें कभी इस तरह रहती हैं जापान वो मुल्क है जो हर चीज़ इम्पोर्ट करता है दुनिया में कोई काम माल नहीं वहाँ पर जनूबी कोरिया हर चीज़ इम्पोर्ट करता है कोई खाम माल नहीं लेकिन वह अपने जहनों से अपने नॉलेज से अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज से तजुर्बे से वो उन उस खाम माल को वो कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में और अरबा डॉलर की वो एक्सपोर्ट करते हैं ट्रिलियंस की उनकी एक्सपोर्ट्स है ये मिसालें हमारे सामने हैं लेकिन